भैया भैया, बड़ा तो प्याज बहुत मिलेगा? ऐसे ही बड़ा साइज का बड़ा साला कुछ नहीं मिलेगा? मार्केट में क्या पूछ लिया रे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको और एक वीडियो में स्वागत है। आज कहीं घूमने जाना है, घूमना मतलब शॉपिंग करना है। जो हमारे लोकल मार्केट है वही पे जाना है, क्योंकि जो हमारे आसपास के दुकान था उसमें जो अनियन है वो खत्म हो चुका है, तो जिसके कारण घर में अनियन नहीं है। और अभी मार्केट जाएंगे, मार्केट में जाके देखते हैं अनियन का रेट कितना है और क्या भाव में मिलता है, वो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और लोकल मार्केट कैसा होता है वो भी आपको बताएंगे डिटेल से। चलिए निकलते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, तो आपको दिखाते हैं सब कुछ क्लियर से, वीडियो में बने रहे। तो बड़ो प्याज से ही बड़ो प्याज আদা বস্তু দিছে মহিলা দিছে কাটি কেটে ফেলা দিছে তো স্পেস আছে বড় বড় বলে রামসি বড় বলে হবে রামলি হবে হ্যাঁ কত করে বাবু নুকা বস্তা নো বস্তা লাগে কই দিছি খোলা খোলা কই দিছি লাগে আস কত করে কত করে লাগা বড় পাইকড়ি খুলে নেবে বস্তা না একটা করে দাও তো বাড়ি কি মাছ রইছে যা কবি আছে পূর্ণ পেঁয়াজের বস্তা পাই কেজি মার্কেট থাকা তো পেঁয়াজ নেই মিলা আমি থাক ঘুমনা হয় फिर घर की तरफ निकलना है। तो इस मार्केट के साइड में एक झील है, तो वही पे हम जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं झील का नज़ारा, मतलब झील नहीं है, मतलब जो पत्थर ब्लास्टिंग हुआ था उसके अंदर पानी रह गया, तो वही नज़ारा जो गांव के लोग बच्चे बूढ़े सब वहीं पे आके नहाते हैं धोते हैं। तो ये मतलब एक मतलब गाँव के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देख सकते हैं ये है मेरे पीछे जो झील है। ये देख सकते हैं और ऊपर एक मंदिर भी है, वो शायद आपको पहले जो मेरा वीडियो था वो उसमें दिख चुका होगा। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं और इस पानी में छोटे छोटे मछली भी है, आपको दिखाते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, और क्या। तो अभी मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है, देख सकते हैं सभी दुकानदार अभी धीरे धीरे करके आ रहा है। तो ये मार्केट शाम को चलता है, अभी दुकान सब आ रहा है। तो इस गर्मी में और इस तड़कती भड़कती धूप में लोग कैसे अपनी मेहनत को, अपनी जो परिवार को चला रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है। तो देख सकते हैं एक हमारे भाई साहब जो है मुर्गी को छील रहे हैं। तो अभी घर की तरफ निकलना है और घर में जाके फिर अगर देखते हैं हमें प्याज मिलता है, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो रहने देंगे। तो अभी मुझे घर के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि इस मार्केट में मुझे प्याज नहीं मिला। प्याज है मगर वो अंगूर के दाने के जैसा प्याज है और उसका भाव 100 रुपये किलो, तो वो मैं मेरे काम का नहीं है। तो मुझे बड़ा प्याज चाहिए, इसीलिए मेरे दोस्त के पास से मुझे मिल गया 60 रुपये करके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब जरूर।